News 18. We're talking about the Deputy Chief Minister of Delhi. Now, he's the man who's caught in the storm in National Capital. And Manish Sisodia, amid continuous protests and attacks by the BJP and one after another probe that's been ordered by the LG, the Aam Aadmi Party leader has spoken, in fact, exclusively to my colleague Rupashree Nanda, tracking all the allegations, tackling them, and all the charges as well. Take a look. We are at the B.R. Ambedkar School of Specialized Excellence, which is a Delhi government school, and Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who is under the scanner for his role in the Delhi excise policy and also in the education controversy, will join us in a short while. Meanwhile, I'll just request VJ just to show you the school that we are in. So it is a school that has four floors, and it is one of those model schools of the Delhi government, and actually boasts of many facilities like table tennis room, counselling room, libraries and all that. So we'll just have a short chat with the Deputy Chief Minister. Manish ji, ye bataiye ki aapke upar ye aarop hai ki jo cost escalation hua CVC report mein, it is 326 crores. उसका आपने टेंडर नहीं दिया. सारे झूठ बोल रहे हैं. सारी प्रोसेसेस फॉलो की गई हैं. जो भी टेंडर, जो भी परमिशंस, जो भी प्रोसेस होती है. लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम ये टेंडर है ही नहीं. बीजेपी तो झूठ बोलती है. बीजेपी की प्रॉब्लम है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को इतना शानदार स्कूल कैसे बना के दे दिया गया. मैं आपको दिखाता हूँ बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है. बीजेपी की प्रॉब्लम है, इसको दिखाया जा रहा है. ये लाइब्रेरी देखो. ये लाइब्रेरी आपको सरकारी स्कूल को छोड़ दो, बहुत कम प्राइवेट स्कूलों में इतनी शानदार लाइब्रेरी देखने को मिलेगी. इनकी प्रॉब्लम यह है कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों को इतनी बढ़िया लाइब्रेरी क्यों बना के देगी. ये जो बच्चे हैं ये बहुत मॉर्निंग, ये बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं. बेटा कहाँ से आते हो आप? कहाँ से आते हो? हैं इंदिरा कैंप. इंदिरा कैंप से. आपके पापा क्या करते हैं? ट्यूशन टीचर है. अच्छा. और आपके सर? गार्डनर है. गार्डनर है. यस. आपके पापा क्या करते हैं? टेलर है. आपके? ट्यूशन पढ़ाते हैं. और देखो आपके बच्चे. गुड मॉर्निंग बेटा. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं. क्लर्क है. कंटेंट कटिंग मास्टर. कटिंग मास्टर है. अब आप देखो इनकी बच्चों की बैकग्राउंड ये है. इन बच्चों को इतनी अच्छी लाइब्रेरी मिल रही है, इतने बच्चे वातावरण में पढ़ रहे हैं. बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि इन बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटी क्यों दे दी. फर्स्ट देखो इसका. अब इसमें पैसा तो खर्च होगा. पैसे की चिंता नहीं है इनको. इनको प्रॉब्लम यह है कि इतने ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल क्यों बना दिया आपने. तबेले बनाने चाहिए. कबाड़ खाने जैसे भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पिछले 27 साल से चल रही है, वो बनाने चाहिए. इतने शानदार स्कूल बनाना मेरा अपराध है. उन्होंने ये कहा सीवीसी रिपोर्ट इज सेइंग. सर बीजेपी इज नॉट सेइंग दैट. द सीवीसी रिपोर्ट इज सेइंग कि 53% कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, एंड 53 एस्केलेशन में जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ 53%, उसके लिए टेंडर नहीं भरे गए. देखो सीवीसी की तो रिपोर्ट का पूरा जवाब सरकार दे चुकी है. लेकिन बीजेपी जो कह रही है. सीवीसी की रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन रहते हैं. सीएजी सीवीसी सबकी रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन रहते हैं. वो हमेशा जवाब दिए जाते हैं. लेकिन बीजेपी कह रही है इतनी ज्यादा कमरे क्यों बना दिए. अब बताओ इस स्कूल में अगर बच्चे और ज्यादा आएंगे, मैं तो मेरा बस चले तो मैं तो और कमरे बना दूं और उनको बच्चों को पढ़ने के लिए फैसिलिटीज दूं. ये कह रहे हैं इतने कमरे क्यों बना दिए, इतने टॉयलेट्स क्यों बना दिए. आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये अब इतना बढ़िया गैलरी है. इनको सरकारी स्कूल के बच्चों को काउंसलर की क्या जरूरत है. सर आपने कहा कि सीबीसी का रिपोर्ट कह रहे हैं इतने वॉशरूम क्यों बना दिए. उन्होंने सीबीसी रिपोर्ट ने कहा है कि वॉशरूम को आपने टॉयलेट क्लासरूम करके दिखाया है. अरे वॉशरूम बने हुए बाबा. क्या दिखाया क्या नहीं. अब ये भी तो कमरा ही है ना. हेलो बेटा गुड मॉर्निंग. ये भी कमरा ही है ना. कमरा तो बनेगा ना यहाँ. हाँ. अब एक स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स के लिए बन गया है, कहीं टॉयलेट के लिए चला गया है, कहीं बैठने के लिए बन गया, आपने देखा, कहीं क्लासरूम बनेगा. पर बन तो कमरे ही रहे ना. हम थोड़ी रह रहे हैं इन कमरों में. हम थोड़ी खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. देखो कहाँ से आते हैं ये बच्चे. आप कहाँ से आ रहे हो बेटा? सर संगम विहार. सर क्या करते हो? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा केमिस्ट हैं. केमिस्ट हैं. बताओ. अब एक सामान्य केमिस्ट का बच्चा आके